मात्र वेदानाम की कंपनी जो आपकी दवाइयों का फॉर्मूला चुरा कर बेचती है, आप जानते हैं उसकी मालिक कौन है? उसकी मालिक है यस, मालिक यस यस यस। झूठ बोल रहे हो तुम। मात्र वेदा फार्मा की सारी डिटेल्स। बंद आंखों से जिस मासी सा पर उमा शंकर यकीन करता था, आज उसका यकीन चकनाचूर हो गया है। इतना बड़ा धोखा दिया आपने मुझे, क्यों मासी सा? जवाब दीजिए, क्यों? क्यों मासी सा? क्यों? 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 पिता ने अपनी बाकी की जिंदगी जेल। मासी सा के बेटे ने ही सबके सामने अपनी माँ के खिलाफ गवाही दे दी है, जिसकी वजह से उमा शंकर के सामने सच आ गया है। मात्र वेदा नाम की कंपनी जो आपकी दवाइयों का फॉर्मूला चुरा कर बेचती है, उसकी मालिक है यस यस यस। मेरी मॉम ने मुझे फंसा नहीं दिया जेल में, वो नहीं आपने देखा? मैं बेचारा अगर कुछ कर रहा हूँ तो आपको प्रॉब्लम हो रही है। अकेला क्यों पिसेगी? मैं अकेला क्यों पिसेगा? मैं किसी को ऐश नहीं करने दूंगा। मैं उल्टा मैं उनके बारे में सोच रहा हूँ कि अब चलो हम साथ में ना जेल जेल खेलेंगे, ऐश करेंगे। मासी सा कुछ समझा पाए उससे पहले ही सब कुछ बिखर चुका था, और चाहकर भी जब वो खुद को साबित नहीं कर पाई तो उमा शंकर ने मासी सा को भी पुलिस के हवाले कर दिया। है तो सारी फैमिली ना, पुलिस वाला दामाद है, चोर इनका घर का बेटा। सोचो कहाँ जाएंगे हम, यही है लाने वाले, यही लाने वाले हैं, ये ले जाने वाले हैं और ये भेजने वाले। वैसे अपनी माँ की जेल जाने की खुशी सबसे ज्यादा तो आदित्य को हो रही है, क्योंकि जेल में अब वो अपनी माँ से लोरी जो सुन पाएगा। मेरे को अच्छा नहीं लग रहा था, मैं बार बार आपको फोन करता था मम्मी लोरी सुनाओ, अब वो साथ वाली जेल से सुना देंगे मुझे, लल्ला लल्ला लोरी दूध की कटोरी। ये सारा चीखना चिल्लाना और ये ड्रामा, ये सब कुछ वो सपना है जो मासी सा खुले आंखों से देख रही है। पर जब अब गलती हो तो मन में डर तो रहेगा ही, और ये बात मासी सा भी जानती है कि अब किसी भी वक्त कनक उमा शंकर के सामने सारा सच लेकर आ जाएगी। कोई जवाब होगा तो देंगी ना, इनकी असली जगह जेल है, पिता ना अपनी बाकी की जिंदगी जेल। ये है तो सपना, लेकिन ये सपना कब हकीकत में बदल जाएगा ये किसी को नहीं पता, और हकीकत में उमा शंकर मासी सा के साथ क्या करेगा ये तो मासी सा को अभी से पता चल चुका है। एबीपी न्यूज रिपोर्ट।